बहुत शुक्रिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, उम्मीद है आप खुश होंगे, अल्लाह आपको खुश रखे। टेलीविजन पे जो लोग आते हैं वो आपको खुशियाँ देने के लिए आते हैं। टेलीविजन पे जो अदाकार अपनी अदाकारी के जौहर दिखाते हैं, अपने रूप को बहरूप में ढालते हैं और आप तक अच्छे अच्छे किरदार पहुँचाते हैं। बाज लोग होते हैं जिनको देख के बड़ा अच्छा लगता है कि बड़े अच्छे परफॉर्मर हैं, शक्ल सूरत भी अल्लाह अच्छी देता है, तो सोने पे सुहागा हो जाता है। मैं इस वक्त एक कपल को बुला रहा हूँ, वो टेलीविजन के आर्टिस्ट हैं, बहुत नामवर आर्टिस्ट हैं, कम काम किया लेकिन जितना काम किया बहुत अच्छा काम किया, आप बहुत उसको प्यार करते हैं। मैं बुलवा रहा हूँ, इस्तकबाल कीजिए, तशरीफ ला रहे हैं नुमान एजाज और उनकी बेगम। मैं साथी मेजबान को बुलाता हूं, इस्तकबाल कीजिए, तशरीफ ला रही है रजिया। लाइए सवालात। नुमान, हम आपकी बेगम से कुछ सवालात करेंगे जी सर, आपकी गैर मौजूदगी में, और वही सवालात फिर आपसे करेंगे। जवाब ठीक हुए तो आपको ARY बिलियनर और मिल्लत कैपेसिटर वालों का तोहफा मिलेगा, जवाब गलत हुए तो दोनों वापस ले लिए जाएंगे और एक एक ऊपर से लिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके। बहुत सारी तालियों में नुमान एजाज को रुख्सत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप कुछ परेशान हैं? नहीं, मैं परेशान नहीं, थोड़ी सी तो है। नहीं, बता देना अच्छी बात होती है। नहीं, मैं परेशान नहीं। अभी आपने यूं करके कहा नहीं मैं परेशान नहीं। नहीं, थोड़ी सी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं, अब रिलैक्स्ड। उनके शौहर के, ये पहली बीवी है जो शौहर के जाने से कह रही है शुक्र है मेरी जान छूटी, मैं रिलैक्स हूँ, ऐसी बात तो नहीं है? नहीं, नहीं। ओके, मैं कुछ सवालात करूंगा आपसे और आप जवाब देंगी, और जवाब आपने तेजी से देने, ठीक है? ओके, शादी का दिन, महीना और साल बताइए। 18 जनवरी 95। क्या आपकी सालगिरह का दिन नुमान याद रखते हैं? हाँ जी। पक्का याद रखते हैं? ओके, शादी किसकी पसंद से की? उन्हीं की पसंद से की। उनकी पसंद थी तो शादी हुई। नहीं नहीं, आप वो तो मानते हैं, मतलब सिर्फ एक आदमी की पसंद से थोड़ी शादी हो जाती है, दूसरे को भी तो पसंद होना चाहिए ना, मतलब आपको भी पसंद थे या नहीं? नहीं, पहले नहीं थे, फिर बाद में। ठीक है, वेरी गुड, जो सही बात करे तो मतलब पहले क्यों नहीं थे, कोई रीजन, कोई अफवाह पहुंची होगी ना आप? नहीं, नो रीजन, बस वैसे पसंद नहीं था, या आदमी नहीं पसंद था, या एक्टर पसंद नहीं था, ये मतलब पसंद ही नहीं था। ओके, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, आई लाइक इट। किस बात पर नाराज होते हैं? छोटी छोटी बातों पे, वैसे मतलब कुछ चीज ऑर्गेनाइज ना हुई हो तब हो गए, मतलब आई मीन देयर इज नो रीजन। मतलब किस किस्म का आदमी बिला वजह नाराज हो जाता है? खामखा, हां, कई दफा बिला वजह नाराज हो जाता। तो डॉक्टर को दिखाइए, चेक करवाइए। अच्छा, ओके, क्या आपके मुंह पर कभी आपकी तारीफ करते हैं? नहीं, बहुत कम। बहुत कम, मतलब क्या दूसरों से जाके कहते हैं मेरी बीवी बहुत अच्छी है? हाँ, दूसरों से जाके कहते हैं। ओके, गुड। नुमान सखी है या कंजूस है? बहुत सखी। बहुत सखी है। आपको ससुराल साथ ले जाते हैं या आप खुद अकेले जाती हैं? मतलब मेरे पेरेंट्स के घर ना, मैं ले, मतलब तो उनका ससुराल किसको कहते हैं? अच्छा, ठीक है, नहीं एक मिनट, मैं जरा पूछना चाह रहा हूँ, मेरे मैं मुझे भी जरा सा इन रिश्तों का पता नहीं है, तो ससुराल क्या बाप के घर को कहते हैं, किसको कहते हैं ससुराल? लेके जाते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ससुराल, यू टेल मी नाउ। वेल, नाउ आई अंडरस्टूड। ओके ओके ओके, ससुराल आपको साथ लेके जाते हैं जी। ओके, शूटिंग के अलावा घर देर से आए तो क्या बहाना करते हैं? शूटिंग के अलावा घर से कहीं नहीं जाते। कहीं नहीं जाते, रोब है? नहीं, मेरा रोब नहीं, उनकी आदत है। अच्छा, उनकी आदत है, मैं तो खुश हो रहा था कि रोब में। अगर इख्तलाफ राय हो जाए तो फैसला कौन करता है? वही करते हैं। मतलब आपकी कुछ चलती है थोड़ी बहुत घर में? चलती है। अच्छा, ओके, नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ, पूछने में कोई बुरी बात नहीं है, पूछना चाहिए। नापसंदीदा मुलाकाती को किस तरह से टालते हैं?
कह दो मैं वॉशरूम में हूँ, या कह दो कि मैं यहाँ तक पास ही कहीं गया हूँ, वैसे ही सिगरेट लेने गया हूँ, और आप कह देती हैं मुझे कहना पड़ता है, मुजाजी खुदा है। मतलब मजाजी खुदा आपसे बोलेगा झूठ बोलने, तो आप झूठ बोलेंगे? अगर मैं नुमान एजाज की बीवी होती तो मैं तो कभी भी झूठ ना बोलती। मैं बोल देती हूं। आप बोल देती हैं, ये याद रखिएगा कि आप झूठ बोलती हैं। हाँ, मैं सिर्फ, लेकिन जब वो कहें तो। ओके ओके, मिजाज में गुस्सा है या जिद है? दोनों ही है, थोड़े थोड़े। ज्यादा क्या है? जिद्दी है, मतलब किसी बात पे जिद कर बैठे तो बस, तो उसको पूरा करते हैं। कभी दूसरी शादी की जिद की? नहीं। पूछ रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, जस्ट फॉर माई इंफॉर्मेशन। ओके, वो आपके साथ निभा कर रहे हैं या आप उनके साथ निभा कर रही हैं? आपको क्या लग रहा है? मैं कर रही हूँ ऑब्वियसली। आप लोग गवाह रहिएगा, ये निभा कर रही हैं, वो कोई बहुत अच्छा आदमी नहीं है इसका मतलब। ओके, अच्छा शौहर नहीं है इसका मतलब है। ओके, कभी गाना गाते? कभी कभी, बेसिकली ही इज अ बाथरूम सिंगर। अच्छा, या तो आप वो दरवाजा सील ही क्यों नहीं करवा देती हैं जहां से उनकी आवाज बाहर आती है? I'll do it. Okay, thank you. अदाकारी के अलावा और क्या करते हैं? घर की सफाइयाँ कभी कभार। स्टेज, टीवी और फिल्म में किस में काम करना पसंद करते हैं? टीवी, टेलीविजन। अगर अदाकारी और हिदायतकारी की ऑफर एक साथ आ जाए तो क्या करेंगे? I think अदाकारी। अदाकारी। आपको पहला तोहफा जिंदगी का क्या दिया? डायमंड रिंग। डायमंड रिंग। अगर नुमान पुलिस में होते तो क्या काम शौक से करते? रिश्वत ले लेते। अगर नुमान को सुपरमैन बना दिया जाए तो पहला काम क्या करेंगे? मेरे ख्याल से मिस वर्ल्ड को उठा के ले आएंगे। मिस वर्ल्ड को उठा के? देखिए ना, ठीक नहीं है ना आपका शौहर। ओके, समोसा, मिठाई और फल में क्या खाना पसंद करेंगे? समोसा। समोसा। तीन लफ्जों में नुमान की बुराई कीजिए। शॉर्ट टेंपर्ड। टू मोर टू कम। शॉर्ट टेंपर्ड। शॉर्ट टेंपर्ड एंड लेजी, लाउजी। ही इज नॉट पंक्चुअल एट टाइम्स। ओके, शूटिंग्स पे तो ही है। इंपंक्चुअल, शॉर्ट टेंपर्ड, इंपंक्चुअल। तीसरा सोचे तीसरा नहीं कुछ समझ आ रहा। लेजी? नो, ही इज नॉट लेजी, ही इज टॉकेटिव। या ही इज वेरी टॉकेटिव। ओके ओके, टॉकेटिव। चलिए, ओके। जब झगड़ा हो जाता है तो आपको मनाने के लिए क्या करते हैं? मुझे नहीं कभी मनाया। वाकई? सीरियसली? सीरियसली। आप ही मनाती हैं? मैं ही। की कह रही हो तुसी? वाकई? सीरियसली? आई डोंट बिलीव इट। मतलब होता है ना कि अच्छा भाई चलो छोड़ो, माफ कर दो, नहीं नहीं, प्लीज फॉरगिव मी, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये किस किस्म का आदमी है, पता तो कराएं इसका। अच्छा, आपको नुमान का कौन सा किरदार पसंद है? आई मीन टेली प्लेज में उनका कौन सा कैरेक्टर? यस, प्लेज में आई कांट से एनीथिंग अबाउट इट। You don't watch them so minutely, हैं? Okay. नुमान की नजर में दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत कौन है? I don't know. फिल्मों में काम न करने की क्या वजह है? I think he don't like to work in films. Okay. दावत में जाना पसंद करते हैं या दावत करना पसंद करते हैं? जाना। Good. मतलब दूसरों का खाना पसंद है उसको। ठीक है। अच्छा, ये शौहर अच्छे हैं या अदाकार अच्छे हैं? अदाकार अच्छे। अरे जीती रही। नुमान की कोई ऐसी बात जो आपको सख्त नापसंद हो?
फालतू बातें बहुत ज्यादा, फालतू लोगों के साथ, फालतू लोगों के साथ फालतू बातें करते रहते हैं जो आपको पसंद नहीं होती हैं और आप सुनती रहती हैं। मैं क्या करूं? अम्मा के घर चली जाया करें? नहीं नहीं। अच्छा ऐसा भी नहीं। ओके, नुमान जिंदगी में सबसे ज्यादा किस चीज से प्यार करते हैं? आई थिंक अपने बेटे। नहीं आई थिंक नहीं, आई नो। नहीं तय कर लो, मैं आपको 5 मिनट देता हूँ। नहीं नहीं, अपने बेटे से। बेटे से कितना बड़ा है? ही इज माशाल्लाह 3। थ्री मंथ्स? थ्री इयर्स नाउ? थ्री इयर्स। थ्री इयर्स माशाल्लाह। ओके, क्या नाम है उसका? मोहम्मद जावियार। जावियार क्या मतलब है? जावियार वेरी ब्राइट। वेरी ब्राइट। ओके, नाम किसने रखा था? मैंने। आपने रखा था। नुमान जिंदगी में सबसे ज्यादा किस चीज से नफरत करते हैं? जो प्रोड्यूसर्स पैसे टाइम पे नहीं देते। मेरा भी अपने प्रोड्यूसर के मामले में कुछ यही राय है। सवालात मुकम्मल हुए, तशरीफ ला रहे हैं नुमान एजाज। क्या समझा था तुम्हें? क्या निकले? दुख है, दुख। उधर देखने की क्या जरूरत है, मुझे देखें। अभी तो पूरी दुनिया देखेगी जो मैं पूछूंगा। ऐसी अच्छी बीवी और इस तरह की बातें, तो बातों बातों उधर बात नहीं करना। यू आर नॉट सपोज टू टॉक। ओके, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं, कोई प्रॉम्प्टिंग मत कीजिएगा। ये आदमी इस काबिल नहीं है कि इसको प्रॉम्प्ट दिया जाए। शादी का दिन, महीना और साल बताइए। 95 में हुई थी। नहीं, मुझे हुई हुई थी नहीं, साल बताओ, दिन बताओ, महीना बताओ। साल 95 और महीना जनवरी। सही बताया तो ताली बजा। क्या इनकी सालगिरह का दिन याद रहता है? हाँ याद तो रहता है, लेकिन सही सही बताना। बिल्कुल बता रहा हूँ मैं। हाँ याद रहता है, लेकिन वो कुछ दे नहीं पाता। याद रहता है। हाँ। शादी किसकी पसंद से की? मेरी अपनी पसंद। क्या शादी से पहले ये भी आपको पसंद करती थी? इसका मतलब ये है कि बदमाशी दिखाई ना आपने? नहीं नहीं, बदमाशी नहीं दिखाई। पीछे लग गए होंगे कि शादी करनी है कि शादी। एक मिनट, उनको क्या देख रहे हो? जवाब, सवाल मैं कर रहा हूँ, मुझे सवाल के जवाब चाहिए। लेकिन पीछे तो। तो फिर कैसे हुई है ये शादी? नहीं नहीं, क्यों हुई, कैसे हो गई ये शादी? जब वो पसंद नहीं कर रही है तो आपको नहीं करना चाहिए था? नहीं, वो बाद में फिर पसंद करना शुरू कर दिया ना। किस बात पर नाराज होते हैं ज्यादा? अनऑर्गेनाइज्ड चीजें पड़ी हूँ। शूटिंग के अलावा घर देर से आए तो आप क्या बहाना बनाते हैं? नहीं, अव्वल तो शूटिंग है तो बाहर हूँ, नहीं तो नहीं। अगर आप दोनों में इख्तलाफ राय हो जाए तो फैसला कौन करता है? हमेशा मैंने किया। ना पसंदीदा मुलाकाती को किस तरह टालते हैं? इसको कह देता हूँ, जाके कह दो कि वो अभी कहीं सिगरेट लेने गया या कुछ काम से। I don't know, मुझे नहीं, मुझे कितना नहीं। कितने मत, और झूठ बुलवा के बीवी को फख्र कितना है, कॉन्फिडेंस कितना है, ओ, कह दो जो कह दो। ओके, मिजाज में गुस्सा है या जिद? जिद ज्यादा है। लेकिन दोस्त जिद अच्छी आदत नहीं है। I agree। अच्छा खैर, आप इनके साथ निभा कर रहे हैं या ये आपके साथ निभा कर रही है? इन्होंने बड़ा तफसील से इसका जवाब दिया है। मेरे ख्याल में मैं कर ओ। तो झूठ इतना बोलना चाहिए, और वो भी नेटवर्क पे झूठ, बल्कि सैटेलाइट पे झूठ, जो 58 मुल्कों में देखा जाएगा उस पे झूठ,
ये कर रही है निभा। किस तरह? किस तरह? अब आप दोनों बात कर लीजिए, मैं जरा थोड़ा पानी वानी पी लेता हूँ। आपको डिटेल बताइए। हाँ तो मुझे तो बता दिए डिटेल, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं तो मैं कर रहा हूँ ना। आप कर रहे हैं, चलिए ठीक है, ओके। अच्छा, अदाकारी के अलावा क्या करते हैं नुमाना? बेसिकली तो मैं वकील हूँ, इसके अलावा प्रोडक्शंस भी की हैं। पिछले साल काफी काम किया है, इस दफा फिर कुछ लाइनअप किया। वेल इट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके, स्टेज टेलीविजन और फिल्म में किस में ज्यादा काम करना पसंद करते हैं? टीवी टेलीविजन। अगर अदाकारी और हिदायतकारी की ऑफर एक साथ आ जाए तो क्या करेंगे? एक्टिंग। आपने इनको पहला तोहफा क्या दिया? एक रिंग दी थी। ये अधूरा जवाब है। वो रिंग प्लैटिनम की थी, गोल्ड की थी, डायमंड की थी? डायमंड की थी। अगर आप पुलिस में होते तो क्या काम शौक से करते? चोरों को पकड़ता। ईमानदार अफसर होता डेफिनेटली। क्या होता? ईमानदार अफसर होता। जोर से बोलो, क्या होता? ईमानदार अफसर होता। शौहर कह रहा है ईमानदार अफसर होता, बीवी कहती है रिश्वत ले रहा होता। नुमान 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 तेरी या तू जाने। ओके, अगर नुमान आपको सुपरमैन बना दिया जाए तो आप पहला काम क्या करेंगे? मोहित साहब, मैं आपको यहाँ से गायब जरूर करवा दूंगा, अल्लाह की कसम। नहीं, उन्होंने मैंने पूछा कि अगर नुमान को सुपरमैन बना दिया जाए तो कहने लगे मिस वर्ल्ड को उठा लाएंगे। यूनिवर्स को क्यों नहीं? वही ना, किसको कहा था? मिस वर्ल्ड, वही मिस यूनिवर्स। इस कसम के तो आप आदमी हो, क्या हो? नहीं तो खूबसूरत चीजें पसंद है। अच्छा, मतलब मैं खूबसूरत चीजों आते। थैंक यू वेरी मच। ओके, समोसा मिठाई और फल में क्या खाना पसंद करते हैं? तीनों में से कुछ भी मिल जाए, पहले समोसा खा लूंगा फिर मिठाई खा लूंगा फिर फल खा लूंगा। तीन लफ्जों में आप अपनी बीवी की तारीफ कीजिए। अपनी बीवी के लिए कहा है, इसलिए इतना सोचने की आ, आ, आ करने की क्या जरूरत है? तो चिड़िया बुला रहे हो, क्या कर रहे हो? कम गो है। कम गो? खुश लिबास। खुश लिबास और बातमीज। बातमीज, कम गो, खुश लिबास, बातमीज। आज से आप मेरी भाभी नहीं, मेरी बहन है, और मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है कि किस आदमी से मत्था फूटा है आपका जाए कि बिल्कुल ही उलट है ना ये आदमी आपकी। चले घर भी जाना है, इसलिए मशरक की लड़की में यही तो खराबी है, शौहर कैसा भी है। आप इनको मनाने के लिए क्या करते हैं जब कभी झगड़ा हो जाए? अपोलोजाइज कर लेते हैं। हाँ, वो कह रही थी कि अक्सर माफी मांगते हैं, तो किस तरह माफी मांगते हैं? देख कितना झूठा आदमी है ये, मैं आज बताऊंगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं, नहीं कहा, ऐसे वैसे जैसे कोई बात हो गई। आप माफी मांग रहे हो, कैसे मांगते हो? राबिया, आई एम सॉरी यार, गलती हो गई। ऐसा ऐसे मांगते हो? आपको कसम है इसने कभी माफी मांगी आपसे? नहीं। ये शो अब बंद ही हो जाए तो अच्छा है, इसलिए कि इतना झूठा आदमी इस शो में आज तक तो कोई नहीं आया जिसने मुंह पे झूठ बोला हो। तौबा तौबा, खामोश, बात घर जाके बात करना। अच्छा, इनको आपका कौन सा किरदार पसंद है? ये ड्रामे तो मैंने नहीं देखते। शुक्र है, सही। आपकी नजर में दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत कौन? मेरी बीवी। I'm serious. लेकिन इसका इजहार कभी क्यों नहीं किया? I would like somebody to praise me. नहीं, yes? ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं करता मैं, ठीक है, देखता हूँ, अच्छी लग रही है। हाँ, बहुत अच्छी लग रही है, बस ठीक। मतलब ये कि शुरू के एक आध महीने तो बहुत की होगी तारीफ है ना? है ना? नहीं, तो शुरू में भी नहीं की? नहीं, शादी से पहले। एक सेकंड, जब जिससे पूछा जाए वो जवाब देगा भाई। एक सेकंड, शुरू के कुछ दिनों की तारीफ? नहीं।
शुरू में भी नहीं की? नहीं पहले तो मतलब नुमान मैं बहुत बुरी, बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा, मैं बता रहा हूँ, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, मतलब होता है ना हफ्ता दो हफ्ता तीन हफ्ते चार हफ्ते तक आदमी का मिजाज अच्छा होता है, कहता है कि माशाल्लाह कितना अच्छा कपड़ा पहना हुआ, बहुत अच्छी लग रही है आप है? कुछ ये कुछ ओके फिल्मों में काम न करने की क्या वजह है? माहौल पसंद नहीं, वहाँ का माहौल पसंद नहीं। दावत में जाना पसंद करते हैं या दावत करना पसंद करते हैं? नहीं आए, आई रियली लाइक कि लोग आए मेरी तरफ खाना खाएं। आके यार कोई बेत मिलेगी बेत? हालांकि मैंने अपने शो में किसी आर्टिस्ट के साथ ये नहीं किया, मुझे बेत चाहिए। एक मिनट, घर बुलाना पसंद करते हो? हाँ। भाभी आप बताएं, घर बुलाता है ये आदमी या दूसरों के घर दावत में जाना पसंद करता है? जाना पसंद करता है। उनसे क्या बात कर रहा हूँ, मुझसे बात कर रहा हूँ? तकलीफ ही देना चाहता ना, मेरे घर तू आए मुझे इतना काम करना पड़े। आपको तकलीफ नहीं देना चाहता? ओह अल्लाह, ऐसा शौहर हर एक को दे, हर एक को दे उठा। अच्छे शौहर हैं आप, अच्छे अदाकार हैं? दोनों ही ठीक है ना, एक एक जवाब चाहिए। अच्छे शौहर हैं आप या अच्छे अदाकार हैं? नहीं, आई एम अ वेरी गुड हस्बैंड। आप बताइए बहन, ये अच्छे अदाकार हैं या अच्छे शौहर हैं? शौहर भी अच्छा। नहीं, बीवी की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है बीवी की, इसलिए जो लोग इस काबिल ना हो उनको ये बीवी का लफ्ज इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। आपका ये अदाकार अच्छे हैं खाली? बहुत अच्छा। बस कोई ऐसी बात आपकी जो इनको सख्त ना पसंद हो? रात को लेट चाय कभी मांग लो तो वो इनको अच्छा नहीं लगता। अच्छा, सही कह रहे? नहीं, बना के तो देती हूँ हमेशा। नहीं नहीं नहीं, क्या बुरी क्या लगती है इनकी, कौन सी आदत ना पसंद है? देख ऐसे रहे जैसे दुनिया जान का प्यार है एक दूसरे में, और गुफ्तगू बिल्कुल मैच नहीं कर रही है एक दूसरे से। हाँ, मतलब यही कि बहुत बोलते हैं ना कई दफा। नहीं, गलत बात है तो नहीं, वो तो कुछ और बोल रही है। तुम क्या गलत बात, गलत बात कर, वो कह रही है बोलते बहुत हैं ये, और गैर जरूरी भी बोलते हैं। At times, yes. नहीं, you talk now, you talk. Yes. She is talking to you. Now you talk at times. I will see you, Noman. Me too. अच्छा, जिंदगी में सबसे ज्यादा किस चीज से प्यार करते हैं? अपने बेटे से। शुक्र है पहला सवाल मैच किया। अच्छा, बेटे का नाम किसने रखा था? दादा ने? नहीं नहीं, दादी ने? नहीं, नानी ने? नहीं, मेरे ख्याल में खाला ने, राबिया ने रखा था। उस पे आफत ढाई होगी आपने, या मैं रखूंगा नाम? और ये नहीं, एक था मेरे जहन में, क्या कौन सा नाम था? जुरेज। जुरेज। अच्छा, जिंदगी में किस चीज से मुतासिर है? मैं जिंदगी से ही मुतासिर हूँ, बड़ी अजीब सी चीज है। बड़ी अजीब सी चीज जिंदगी। जिंदगी, जिंदगी तो आपके साथ खड़ी हुई है, आपकी जिंदगी की बात कर रहे हैं? नहीं, ये जिंदगी तो है, और नहीं, यही तो जिंदगी है। हाँ, तो इसी से तो मुतासिर। ये दोनों यूं समझिए हमारे बड़े दोस्त हैं, और दोस्ती के नाते हमारा हक है कि हम इनसे शरारत करें। नुमान से जब भी मुलाकात होती है ऐसे ही हंसते रहते हैं, बोलते रहते हैं। आज भी आपको ये नहीं लगा होगा कि मैंने किसी स्टार का इंटरव्यू किया, आपको ऐसा लगा होगा एक बड़े ने अपने छोटे का इंटरव्यू किया, आपको लगा होगा एक दोस्त ने अपने दोस्त का इंटरव्यू किया। ये दोनों मियाँ बीवी बहुत अच्छे हैं, और बहुत अच्छे हैं इसीलिए एक साथ हैं, और मैं दुआ करता हूँ कि ये इसी तरह साथ रहें। और वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी वाकई एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, और दोनों पहिए स्कूटर के होने चाहिए, अगर एक में ट्रैक्टर का लगा हो एक में स्कूटर का लगा हो तो वो गाड़ी ज़रा मुश्किल से चलती है। तो ये दोनों मुनासिब हैं, अल्लाह ताला इन दोनों को और इनके बेटे को बहुत खुश रखे। ये ARY बिलियनेयर की जानिब से ये गोल्ड बार आपकी नज़र,
और ये उसमें उनकी स्कीम में शमूलियत का कूपन है जो दुबई भेजना है आपको, भर के भेजिएगा, हो सकता है 20 kg सोना आपका हो। नहीं नहीं लॉटरी भी तुम्हें तो कभी निकलेगी भी नहीं और निकलना भी नहीं चाहिए तुम जैसे आदमी, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। और दोनों पे अपना नाम भर के भेजिएगा और इससे दूर रखिएगा इसको। और ये ARY बिलियनेयर का ये गोल्ड बार और ये कूपन आपके नज़र और मिल्लत कैपेसिटर बनाने वाले का फैन वालों का तोहफा। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। मस्ती मजाक शरारत में कोई बात तुम्हें बुरी लगी हो, तुमसे कह रहा हूँ, इनसे तो मैंने की नहीं है कोई ऐसी बात, तुम्हें बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर देना यार। आई लव यू टू, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।